from Umar Qureshi sir, Hafiz Khaleel sahab, Sheikh Rashid sahab, और मंच पे फरमा सभी हमारे बिरादरी के सभी जिम्मेदार इस वार्ड के दोनों ही कॉर्पोरेटर गुरुला साहब सतीश भाई फारूक कुरैशी साहब दोस्तों और साथी अल्लाह का बहुत एहसान है करम आज हम सब लोगों की मौजूदगी में मालेगांव शहर में एक नया कब्रिस्तान चार दीवारी का संगे बुनियाद की तकरीर में हम मौजूद हैं। ये मुजाफात का जो इलाका है ये शहर का बिल्कुल सबसे ज्यादा मुजाफात का इलाका सर्वे नंबर 107 का डेवलपमेंट प्लान में ये जमीन रिजर्वेशन थी कब्रिस्तान के लिए और 2012 से पहले ये किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि ये कब्रिस्तान शुरू किया जाना चाहिए, ये जमीन को खरीदा जाना चाहिए। तायरा शेख रशीद साहिबा 2012 के अंदर मेयर बनाए गए और शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में उस वक्त की बॉडी के अंदर फरीद कुरैशी साहब और हमारे सभी साथियों ने मिलकर हम लोगों ने बाकायदा इस जमीन को खरीदने की पहली प्रोसीजर शुरू की। पहला ठहराव हमने पास किया 2012 में और ये 7 एकड़ जमीन के अंदर सबसे अहम बात यह है कि जमीन देने वालों के अंदर कुरैश बिरादरी के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है। अहमद हाजी ने जिस वक्त ये शुरुआत की गई उस वक्त तो मैं खुद अहमद हाजी साहब के पास गया, उनसे कहा कि आपकी जमीन है और यहां पर कब्रिस्तान हमको शुरू करना है, तो उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए बिल्कुल एक ही लफ्जों के अंदर कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूं। अलीम भाई यहां पर है, अलीम भाई की भी यहां जमीन है, इसमें जमीन थी, अलीम भाई के पास भी गए, उन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी हम लोगों को जमीन देने के लिए हामी भरी। शहीद टाडा साहब की भी जमीन इसमें है और शहीद टाडा साहब ने भी ये जमीन देने के लिए हम हामी भरी और हम ये चाहते थे कि और भी यहां पर 2.5 एकड़ जमीन रिजर्वेशन है। हम लोग ये चाहते थे कि 2.5 एकड़ जमीन और भी इसके अंदर रिजर्वेशन है जो हम यहां बैठे इसके इतराफ की, लेकिन कुरैश बिरादरी के अलावा कोई दूसरे शख्स की थी, मैं उनके पास भी गया और उनसे भी मैंने बहुत गुजारिश की कि आप गवर्नमेंट रेट के अंदर आप ये जमीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दो, यहां एक बड़ा कब्रिस्तान हो जाएगा और इस इलाके के अंदर जो जरूरत है, मालेगांव शहर की जो आबादी इस जानिब बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो शहर की आवाम को कब्रिस्तान की जरूरत और इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार किया। हम लोगों ने यही 7 एकड़ जमीन जो कुरैश बिरादरी ने जो हामी भरी और बाकायदा खास बात यह रही कि कोई उसके अंदर कमेंडमेंट नहीं किया गया, इन्हें नेगोशिएशन या कोई सौदाबाजी नहीं की गई, गवर्नमेंट के रेट के अंदर सभी लोगों ने हामी भरी। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से मैं इन तीनों हजरात जिन लोगों ने जमीन वक्फ किया गवर्नमेंट रेट के अंदर कॉरपोरेशन को दिया, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद यह प्रोसीजर हमारा आगे बढ़ता गया, हम लोगों ने एक एक किस्त कई किस्तों के अंदर ये पैसा अदा किया और आखिर में 2014 में कॉरपोरेशन का हमारा इख्तदार चला गया और ये काम पेंडिंग हो गया था। शेख रशीद साहब अल्लाह का करम है दोबारा बने, फिर हमने दोबारा इसकी शुरुआत को आगे बढ़ाया और मुकम्मल पैसा अदा किया और आज अल्लाह का एहसान है शेख रशीद साहब के ही दौर में, शेख रशीद साहब से जब हमने ये कहा कि ये 7 एकड़ के ऊपर वॉल कंपाउंड की जरूरत है, यहां पर जनाजा हॉल बनाने की जरूरत है, यहां पर ये जो रास्ता मेन वाला रास्ता मोती हाई स्कूल तक बनाने की जरूरत है,
शेख रशीद साहब ने